मैं एलपी राकेश और आज मैं कटरा आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। और मैं यहाँ अभी पहुँच चुका हूँ और हम लोग कोविड का जांच करवा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अभी चलते हैं और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको आज माता वैष्णो देवी का दर्शन करवाऊंगा अपने साथ, तो बने रहिए, चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ और अभी बस चढ़ने वाला हूँ। यहाँ बहुत सारे दुकान है, यहाँ पे देख लीजिए शॉपिंग करने। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और बस अभी चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। ये श्री माता वैष्णो जी का स्थान। अभी पूरा रेडी हो चुका हूँ, देखिए जय माता दी यहाँ पे माथे पे लगा लिया हूँ और बस अभी चढ़ना है ऊपर। तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए और एंजॉय, आप लोग आगे एंजॉय करेंगे बहुत। अभी 1 बज रहा है और अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ। तो एक बार सब मिल जोर से बोलो जय माता दी। बस अभी अब जाना है और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आज कुछ ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी हम लोग अभी मेन द्वार में आ गए हैं। मैं यहाँ से बस अभी अंदर जाने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी चेक वगैरह होगा से एंट्री करूँगा। अभी यहाँ पे सारा कुछ चेक वगैरह होगा और यात्रा पर्ची यहीं पर दिखाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से निकलेंगे ऊपर। हो रही है तो एक बार सारे मिलकर बोलो शेरा वाली माता की जय। बस अभी और आगे निकल रहे हैं। अभी मैं यहाँ गुलशन कुमार जी के यहाँ पे चलता है लंगर, वहाँ मैं आ गया हूँ और अभी खाएंगे लंगर। यहाँ लंगर खाऊंगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये गुलशन जी का लंगर चलाया जाता है यहाँ पे। मैं खा चुका हूँ मैं अभी और अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स के साथ कंटिन्यू रहिए और अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा सारा कुछ। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मैं बाण गंगा के आगे निकला हूँ और अभी पूरा पसीना हो गया है, देखिए चढ़ाई थोड़ा ज्यादा ही है। हर हर महादेव। और ये है चरण पादुका मंदिर। यहाँ पे मेरी यात्रा का पहला पड़ाव है, अब आगे हम लोग यहाँ से चलेंगे। और मेरा प्रथम दर्शन हो चुका है चरण पादुका का मंदिर का, अभी मैं आगे जा रहा हूँ। में पहुंचने वाले हैं बस।
बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं अभी यहाँ आठ कुमारी में पहुँच चुका हूँ और यहाँ से फिर अभी माता वैष्णो जी देवी जी का दर्शन करने जाऊँगा। तो यहाँ अभी वेटिंग है क्योंकि यहाँ नंबर लगाना पड़ता है और मेरी कल सुबह आएगी नंबर, तो अभी मैं यहाँ वेट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी वेटिंग कर रहे हैं। ये है नज़ारा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ मुझे फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से माता जी के दर्शन करने के लिए निकल गया हूँ और यहाँ से मुझे करीब 4 hours या 5 hours लगेंगे और यहाँ पे अर्धकुंवारी में सुबह दर्शन करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी दर्शन कर लिया है और मुझे 11:30 बज गए दर्शन करने में और मैं सुबह से चढ़ा था 13 बजे, 1 बजे में। अभी मैं भैरव मंदिर जाऊँगा जो कि यहाँ से काफ़ी ऊपर है, तो बहुत ही अच्छा अंदर से फील हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छा अंदर का नज़ारा है और जो जाएंगे वही देख पाएंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा वैष्णो देवी और मेरे साथ बने रहिए। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, मैं भैरव मंदिर के उधर जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ठंड कितना, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या हालत हो गया है नाथ मंदिर जाने का, जो कि काफ़ी अप है। देखिए ये पूरा अप है और रात के बज रहे हैं 12:30 हो गए हैं और बस पहुंचना है, 2-4 घंटे में पहुंचूंगा ऊपर और रात के बज रहे हैं 2। हम लोग भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं और काफ़ी अप चढ़ाई है यहाँ पे और काफ़ी टाइम लगा चढ़ने में। भैरव बाबा का मंदिर 2 घंटे लगे चढ़ने में और वैष्णो देवी के दर्शन हो गए थे 11:30 बजे तक। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं सुबह का नज़ारा है और श्री भैरवनाथ मंदिर से मैंने लिया है सुबह, क्योंकि हम लोग रात में पहुंच गए थे 2 बजे और 2 बजे के बाद सुबह तक वेट किया था क्योंकि यहाँ से जो आपको दिखेगा वो कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और देखिए यहाँ से हिमालय पहाड़ भी बहुत ही अच्छा से दिखता है देखिए, और ये बहुत सारे माउंटेन के बीच में भैरवनाथ मंदिर बनाया गया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो भैरवनाथ का मंदिर है बहुत ही अप चढ़ाई में है और यहाँ पे चढ़ने में बहुत ही मतलब आपको अप में जाना पड़ेगा और एक सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास रहता है रोपवे, लेकिन रोपवे का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे ही तक रोपवे चलती है, तो रोपवे में आप जा सकते हैं। और ये माता वैष्णो देवी जी का है देखिए, ये ऊपर से मैंने लिया था जो कि काफ़ी सुंदर है, भैरवनाथ मंदिर के वहाँ से मैंने लिया था और भैरवनाथ मंदिर सबसे टॉप में है तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो आप लोग जब भी जाइएगा वैष्णो देवी भैरवनाथ का मंदिर जरूर जाइएगा क्योंकि वहीं से यात्रा आपका सफल होता है। और आगे देखिए, आगे ये रोपवे है, इसका थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए जो कि बहुत ही अच्छा है और इसमें 100 rupees चार्जेस लगते हैं ऊपर लेके जाने और आने में। और रोपवे का टाइमिंग मैं आपको बता दिया हूँ। तो ऐसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ वैष्णो देवी का दर्शन करके अब देखिए मैं नीचे आ गया था और ये दूसरे दिन का है, उस दिन आकर मैं रेस्ट किया था क्योंकि बहुत थक गया था तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया और ये जाने के पहले का वीडियो शूट है रिटर्निंग अपने घर जाने के पहले का। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ मैं रिकॉर्ड किया हूँ, आपका कटरा रेलवे स्टेशन से लिया गया है सारा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मेरी यात्रा मतलब ख़त्म हुई है और बस ट्रेन का वेट कर रहा था और यहाँ से बस निकलने ही वाला हूँ शाम को। शाम को मेरी 19:55 में ट्रेन है
और बस निकलने वाला हूँ। तो देखिए ट्रेन से मैंने लिया था, रात का समय का है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, देखिए माता वैष्णो देवी जी का पूरा यहाँ पे ऐसे लाइट रात में जलती है तो कितना सुंदर लगता है देखने में। तो यही मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।